सब्सक्राइब करिए फर्नीचर रियाज चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू फर्नीचर रियाज दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको 6x3 का दीवान बताऊंगा कि मार्केट में और हमारे दीवानों में क्या खासियत है। दोस्तों एक तो देखिए ये मैके के बने हुए हैं, सबसे बड़ी बात है, यानी कि गत्ते वाले नहीं है जिनमें डिको पेंट वगैरह होता है। ये देखिए इसमें दोस्तों जो सी बीडिंग वगैरह ये सारी सागवन की लगाई होती है, ठीक है। और दोस्तों जो सा हमने ये डिजाइनिंग डाल रखा है, ये 2 इंची का पहले हमने मैके का पीस लिया, उसके ऊपर 1 इंची का लिया ये, और बाकी चारों तरफ से हमने 1-1 इंची का बॉर्डर छोड़ दिया इसको। उसी तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पर किया है, ये देखिए ये हमने डायमंड लगा दिए 3 इसके अंदर। और दोस्तों इसी तरीके से इधर की तरफ भी हमने यहाँ से हमने 3 इंची छोड़ा है, ठीक है। और दोस्तों इसी तरीके से आप भी बड़ा खूबसूरत डिजाइनिंग बना के। और दोस्तों वाल वाली तरफ हम माइका नहीं लगाते, ये देखिए वाल वाली तरफ माइका नहीं, इधर भी डिको पेंट किया हुआ है। और दोस्तों मैं नीचे से भी दिखाऊंगा आपको, और नीचे वाला डिजाइन भी हमने, इसको नीचे वाले को मोजो अल्मीनियम बोलते हैं इसको। और दोस्तों इधर की तरफ हमने, ये देखिए इधर की तरफ हमने दोस्तों 3 सरमैके दिए हैं। एक तो ये है, इसका कलर लगा है आपको दिख नहीं रहा होगा, ये भी थोड़ा सा मैचिंग में है, ये देखिए आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, और इधर से देखिए, और ये वाइट में हमने दिया दोस्तों। और दोस्तों अंदर से भी खोल के दिखाता हूँ ये कैसे, ये दोस्तों हम जो सा बक्सा बनाते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा ये वाला निशान, और यहाँ तक लेके 15 इंची का होता है, ऊपर 12 mm की प्लाई होती है, और गद्दों के लिए 1-1 इंची की हम जगह रख देते हैं कि गद्दा बाहर ना निकले। और इसमें जो सा कब्जा होता है दीपक का होता है लगा हुआ, और जो स्टेनलेस स्टील का हमारा ये होता है, अंदर से दिखाता हूँ दोस्तों अंदर से, अभी इसमें ये स्पॉट लगनी है, अभी काम हो रहा है इसका। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अच्छे अच्छे डिजाइन बना सकते हो, अपने दिमाग से भी बना सकते हो, और भी हम डिजाइन आपको ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। और जो से भाई मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे कि मेरे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों ऐसी वीडियो हम लाते रहते हैं, अब हम इसको खोल के अंदर से दिखाएंगे, नीचे से भी दिखाएंगे कि जैसी ऊपर से फिनिशिंग है ऐसी ही हमारी नीचे से फिनिशिंग रहेगी। दोस्तों ये मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगा, बाहर से भी दीवान दिखाऊंगा। अंदर हमने इसमें स्पोटे लगा दिए, ये देखिए। और दोस्तों इसके अंदर साल की स्पोटे लगी हुई हैं, ये देखिए बीच में हमने स्टैंड लगा दिया। दोस्तों इस स्टैंड है हमारा एक 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 इंची है थे और 1.5 इंची है थे। और दोस्तों एकदम मुलायम लकड़ है, रेगमल से मशीन के साथ लगाया हुआ है, ये नहीं है किसी का लगेगी हाथ में कपड़े निकालते समय, ऐसा कुछ नहीं होगा, और सील्ड है बिल्कुल एकदम। और दोस्तों जो हमने गज लगाए हैं, ये 1.25 इंची के गज हैं हमारे प्लाई के, जो हमने इधर स्पोर्ट दिए हैं। और पाए हैं जो कीकर के नहीं, ये पंजाब टीक के पाए हैं हमारे। और जो हमने नीचे स्पोटे दिए, ये देखो लाइनें लगी हुई हैं, ये हमने 6 स्पोटे दिए, आपको नीचे से भी दिखाते हैं पूरा। और दोस्तों नीचे से भी देखो फिनिशिंग कैसे है, मैं आपको ये दिखाता हूँ दोस्तों पास से। दोस्तों हमने ये हमारा 19 mm का बोर्ड है, उसके बाद हमने 12 mm की प्लाई ले रखी है, ये हमने पूरा, यानी कि आमतौर दुकानदार क्या करते हैं ये वाली स्पोर्ट लगा देंगे, इस स्पोर्ट के लिए बीच में कुछ नहीं लगाते। ये दोस्तों साल के डंडे हमने लगा रखे हैं, ये 1x1.5 के डंडे हैं, इसमें भी रेगमल वगैरह लगा रखा है, और दीमक की दवाई वगैरह सारे में, ये भी GI की प्लाई हमने नीचे दे रखी है, और पाया 1 पीस का है। और नीचे से देखो फिनिशिंग कितनी है इसमें, नीचे हट जाए, ये देखिए दोस्तों दीमक की दवाई वगैरह बकायदा इसके अंदर वो कोटिंग करते हैं हम लोग। दोस्तों उसको भी हम अंदर से आपको दिखाते हैं, वो भी ऐसा ही है, ये वाला देखिए। ये देखिए इसमें भी अंदर स्पोर्ट लगी हुई है, और काफ़ी मजबूत है दोस्तों, कम से कम 60-70 किलो का तो हमारा ये सतेंद्र जी हैं। आपको लेना है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9818393021, आप इस पर मुझे संपर्क कर सकते हो, सिर्फ से दोस्तों मैं दिल्ली दिल्ली में भेज सकता हूँ आपको।
ये मैं इधर से भी आपको दिखा देता हूँ, दोस्तों मैं थोड़ा सा दुकानदार भाई जो थे फर्नीचर वाले, क्योंकि अक्सर क्या होता है धूप में ज़्यादा धूप में पलाइयाँ बैंड हो जाती 12 mm की, उनके ऊपर आप कील वगैरह से या तो प्रेस करके रखें, ढक्कन को ओपन मत रखें। दोस्तों ये आपको वीडियो कैसे लगी है, दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना, और दोस्तों मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए आने वाली के लिए नोटिफिकेशन का बटन दबा देना, जिससे मेरी आपको नई वीडियो मिलती रहेगी। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking.